सेंस एजुकेशन, हम लोग हरियाणा के एग्जाम्स को टारगेट करके हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पर्यटन स्थल पढ़ाने शुरू किए हुए थे। उसमें मैंने आपको डिटेल में सारे मंदिर जो हिंदुओं के स्थल थे वो सब कुछ करवाया था। पांडु पिंडारा पूछ लें, जहां पर पांडव रुके थे, स्थानेश्वर मंदिर, सनी तीर्थ, प्राची तीर्थ, घंटेश्वर मंदिर, कपड़ेश्वर मंदिर, ये सब कुछ मैं डिटेल में करा चुकी हूँ। किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, हरियाणा जीके की सारी क्लासेस को वन बाय वन देखना, आपकी हरियाणा पे एक बेसिक समझ बननी शुरू हो जाएगी। आज जो हम बात करेंगे वो हम गुरुद्वारों के ऊपर करेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से गुरुद्वारे फेमस हैं, क्योंकि जो हरियाणा था पहले पंजाब का ही पार्ट था, तो बहुत सारे गुरुद्वारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पर मिक्स कम्युनिटीज हैं, हिंदू भी आपको देखने को मिलेंगे, मुस्लिम की दरगाह मजारे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड गुरुद्वारे सब कुछ देखने को मिलता है। तो आज हम गुरुद्वारों के ऊपर बात करते हैं जिनमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले गोविंदपुरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? यह है आपका अंबाला में। किनसे रिलेटेड है? हम सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उनमें से जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे रिलेटेड आपका कौन सा गोविंदपुरा गुरुद्वारा। नेक्स्ट है आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब, जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। ये आपका अंबाला में भी है, कैथल में भी है, रोहतक में भी है, मैं हर क्लास में बताती हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ अंबाला के साथ ही जाना, जो आपके 6th और 10th दोनों गुरुओं से संबंधित है सिखों के। कौन सा गुरुद्वारा? मंजी साहिब। नेक्स्ट है बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये भी आपके अंबाला में है और 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से ही रिलेटेड है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा, ये भी अंबाला में है, ये रिलेटेड है 9th गुरु तेग बहादुर जी से। देन सूरज कुंड, 10वें गुरु यहाँ पर जो थे वो 10 महीने तक रहे थे और ये कहाँ पर है? अंबाला में। ये ऐसे याद नहीं होंगे, इस वीडियो को बार बार सुनना और फिर बुक में से पढ़ना, तभी आपके माइंड में ये बैठने शुरू होंगे, अदरवाइज सिर्फ एक बार सुन लेने से ये याद नहीं होने वाले। नेक्स्ट है गेंद साहिब गुरुद्वारा, ये भी आपके अंबाला के भानोखेड़ी में है, जहां पर माना जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इन्होंने गेंद और बल्ले से खेले थे या कुछ भी इस तरह से, तो वो है आपका गेंद साहिब। नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा, ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी आपका शीशगंज गुरुद्वारा है। तो जहां पर भी शीशगंज गुरुद्वारा है तो आप गुरु तेग बहादुर जी के साथ जाओगे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है आपका शीशगंज गुरुद्वारा। वैसे ये 10th वालों से रिलेटेड है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब, ये भी आपके 10th गुरु से रिलेटेड और ये भी कहां पर है? आपके अंबाला में। अंबाला में ही बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। पंजोकड़ा साहिब, ये भी अंबाला में है, अंबाला से जो नारायणगढ़ की तरफ रास्ता जा रहा है वहां पर देखने को मिलेगा पंजोकड़ा साहिब, जो कि 8वें गुरु हरकिशन जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा पातशाही। अब गुरुद्वारा पातशाही 3री, 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं इनमें से कोई भी पूछ ले गुरुद्वारा 3री पातशाही, 7वीं पातशाही, तो आप सबके साथ जाओगे, कुरुक्षेत्र के साथ। सारे के सारे कहां पर है? आपके कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है दमदमा साहिब, झील भी थी सबसे वो दमदमा साहिब, ये भी आपका कहां है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट गुरुद्वारा त्रिवेणी, ये पिहोवा कुरुक्षेत्र में पड़ेगा और यहाँ पर 4थे गुरु आए थे और इसे ही करहो गुरुद्वारा भी कहते हैं। अब करहो की चोटी से कंफ्यूज मत होना, वो आपकी मोरनी हिल्स पंचकुला में थी, बट ये है आपका करहो गुरुद्वारा। गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब पूछ लें या करहो साहिब पूछ लें तो ये आपका कहां है? पिहोवा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजघाट, कुरुक्षेत्र में ही है ये भी। जोरा साहिब, ये भी कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। शीशगंज, वो पहले भी शीशगंज से अब फिर से शीशगंज है करनाल में। जो भी शीशगंज गुरुद्वारा आता है आपने गुरु तेग बहादुर जी के साथ जाना है। नेक्स्ट है धमतान साहिब, ये है आपके नरवाना जींद में, जो कि 9th गुरु से ही रिलेटेड है। कपाल मोचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपाल मोचन क्या है? हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और सिख दोनों की एकता का प्रतीक है कपाल मोचन। यहीं पर आपको शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, गोपाल मोचन भी इसी को ही कहते हैं, सोम सरोवर भी इसी को ही कहते हैं। तो ये आपके कहां है? यमुनानगर में पड़ेगा और पहले और 10वें दोनों गुरुओं से रिलेटेड है। अब इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो कि दोनों से कैसे रिलेटेड है। जो हमारे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो यहाँ पर आते हैं और वहां यहाँ के पहाड़ी राजाओं के साथ उनका युद्ध छिड़ जाता है। तो जब उन्होंने उनके जो हथियार थे, जो खून से लथपथे, क्योंकि लड़ाई होगी तो ये सब होगा, तो वो माना जाता है कि इन्होंने यही कपाल मोचन के सोमसर सरोवर में इन्हें धोया था और क्या कहा था, थोड़े दिन वहां पे रुके थे और कहा था यहां पर हमारे जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा,
तो इसीलिए ये पहले और दसवें दोनों गुरु से रिलेटेड है आपका कपाल मोचन। हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है आपका गुरुद्वारा कपाल मोचन। इसके अलावा ये माना जाता है ब्राह्मण हत्या का जो पाप होता है वो भी यहाँ पर स्नान करने से धुल जाता है। जैसे श्री राम जी ने, रावण एक ब्राह्मण थे, प्रखंड वो थे ब्राह्मण, तो उन्हें बहुत नॉलेज थी, तो उनकी जो हत्या का पाप धोने श्री राम जी आए थे वो भी कहाँ पर आए थे, स्नान करने यमुनानगर के कपाल मोचन में। नेक्स्ट है नाडा साहिब, ये है आपके पंचकुला में और दसवें गुरु से रिलेटेड है। गुरुद्वारा अगमपुर जो कि जगाधरी में है, जगाधरी कहाँ पे है, यमुनानगर में। बंगला साहिब रोहतक में, नाइन्थ गुरु से रिलेटेड है। गुरुद्वारा नीम साहिब जो कि है कैथल में, गुरु तेग बहादुर जी, क्या कहते हैं कि एक नीम का पेड़ था वहां गुरु तेग बहादुर जी विश्राम कर रहे थे और एक भगत आकर क्या कहते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहे, उन्होंने सारे इलाज करवाए, तो उन्होंने उसी पेड़ से, एक नीम जो है एक मेडिकेटेड प्लांट है, उसी पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़कर उनको दी तो वो खाकर ठीक हो गए, तो वहीं पर उन्होंने एक गुरुद्वारा बनवा दिया, गुरुद्वारा नीम साहिब। गोविंद सिंह पर्व जो कि सिरसा में है, टेंथ गुरु से रिलेटेड है। टोपियों का गुरुद्वारा बहुत बार पूछते हैं, टोपियों का गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल में। चिल्ला साहिब सिरसा में, यहाँ पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रुके थे। और मुस्लिम फकीरों का मेला भी कहाँ पर लगता है, चिल्ला साहिब जो कि सिरसा में है। गुरुद्वारा मस्तगढ़, ये है आपके कुरुक्षेत्र में, जिनके बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं थोड़ी थोड़ी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उन्हें अच्छे से याद करना, और ये ऐसे याद नहीं होंगे, अब आज इसे किसी भी बुक में से उठा के मंदिर और गुरुद्वारों तक अपना टॉपिक्स तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मस्जिद मजारे ये सब करवाने वाली हूँ। इसके साथ ही हमारे पर्यटन सर का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो एंड हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।